खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महू के किशनगंज थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक बोलेरो पिकअप वाहन को रोका और उसकी तलाश ली गई तो उसमें से लाखों रुपए की शराब जब्त की। जानकारी के अनुसार बीती रात रात्रि गश्त के दौरान एसआई अनिल चाकरे की टीम एबी रोड गश्त के दौरान जो कि वाहन पीतमपुर से इंदौर की ओर आ रहा था उसको भाटखेड़ी फाटे पर रोका तो पुलिस को देखकर बेलोरो पिकअप से दो युवक निकलकर भागने लगे, जिसमें से पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया जिसने अपना नाम राजू निवासी बाणगंगा भागीरथपुरा इंदौर बताया। आरोपी ने बताया कि मुझे नहीं पता यहां शराब कहां से लाई जा रही है, जो मेरा साथी था उसे जानकारी है। वहीं बोलेरो वाहन की चेकिंग की गई तो उसमें 125 पेटी शराब बरामद हुई जिसकी बाजार में मूल्य 11 लाख से ऊपर है। 30 तारीख की दरमियानी रात कल मध्यरात्रि जो है जो थाना मोबाइल है उसमें एक सब इंस्पेक्टर अनिल चाकरे हैं और उनके साथ में फोर्स था। इधर मोबाइल जो एक हाईवे पे चलती है वो लोग भी गश्त में थे तो भाटकेड़ी फाटा जो है वहाँ पे एक पीतमपुर से इंदौर की तरफ एक संदिग्ध स्थिति में बोलेरो पिकअप आती हुई दिखी थी जिसको इन लोगों ने रोका और घेराबंदी करके जब उसको राउंड अप किया तो उसमें दो में से एक आदमी जो है वो भाग गया और एक पकड़ में आया। गाड़ी की चेकिंग करने पे पता लगा कि इसमें जो है देसी और विदेशी कुल मिलाकर के करीब 125 पेटी जो अंग्रेजी और देसी शराब थी उसकी पेटियां मिली हैं। उसकी लगभग कीमत 10 लाख के ऊपर है और एक जो पकड़ में आया था आरोपी उसका नाम है राजू पितर छोगालाल प्रजापत कुमार जाति का है, 38 साल का निवासी भागीरथपुरा इंदौर। और जो फरार हुआ था वो संदेही जो है फरारी जो फरार हुआ है उसका है 37 पिता प्रेम कोरी निवासी भागीरथपुरा का। तो ये एक अच्छा काम जो है किशनगंज पुलिस ने किया है। इसमें अपराध क्रमांक 739/20 और 34-2 आबकारी एक्ट के तहत मामला कायम हुआ है। अनिल चाकरे और जो दोनों मोबाइल की टीम है उनको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत करने हेतु बोला गया। इंदौर के महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।